everyone, this is Monica. Welcome to another video. So, कैसे आप सब लोग? I hope आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे. So, आज के इस हॉल में मैंने कुछ रैंडम परचेज किए हैं Amazon से. इसमें कॉट सेट है, इसमें कुर्ता है, शॉर्ट कुर्ती है एंड इसमें टॉप है. सो मैंने सब कुछ परचेज किया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन. उससे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, बिकॉज इस चैनल पर मैं हॉल वीडियोज, ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज, ऑल्सो स्टाइलिंग वीडियोज अपलोड करती हूँ. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम यूजर आईडी है टच ऑफ गर्ल, उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में. सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. है ना गाइज, वो मैंने परचेज किया है एक कॉट सेट जो कि है ब्लैक कलर में. पहले मुझे देखने में ऐसा लग रहा था बिकॉज मैं बॉडी कॉन ड्रेसेस काफी कम पहनती हूँ ना, मेरी थाइज जो है वो काफी हैवी है इस वजह से. तो मुझे लगा कि थोड़ा सा फिटेड रहेगा एंड उतना अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, बट ये एक रिब्ड फैब्रिक में मुझे रिसीव हुआ है एंड ये बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लगा है. सो ये है ना, इसमें एक टॉप मिल जाएगी आपको, नॉर्मल ये वाली टॉप है. इसमें वी नेक मिलेगा, स्लीव्स नॉर्मल सी दी हुई है इसमें एंड ये रिब्ड है, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, रिब्ड फैब्रिक टाइप में आपको ये मिल जाएगा. इसका जो लेंथ है ना टी शर्ट का, मीन्स आप किसी और के साथ भी बहुत आराम से इसको वेयर कर सकते हैं, ऐसा लेंथ है इसका, ना ज्यादा छोटा है ना ज्यादा बड़ा है. इसके साथ में ये आपको बॉडीकॉन ड्रेस, ये थोड़ा सा पेंसिल स्कर्ट मिल जाएगी इसके साथ में जो कि मिडी स्कर्ट है. इसमें आपको ये इलास्टिकेटेड वेस्ट लाइन मिल जाएगी और ये भी रिब्ड फैब्रिक में ही मुझे रिसीव हुई है. ये इसमें ना एक कलर ऑप्शन और भी आपको मिल जाएगा एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. मीन्स इसकी फिटिंग है ना, हैवी थाइज वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. अगर आपके पियर शेप बॉडी है तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं. मेरा साइज जो पहना हुआ है वो है इसमें एम साइज. नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया है ना गाइज, वो है एक टॉप जो कि मैंने परचेज किया है फैब एले से. यहाँ पे ना अभी फैब एले पे काफ़ी अच्छी डील चल रही थी, इसमें ये टॉप मुझे 230 रुपीज़ में मिला है. मतलब साइज़ का भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है. एस साइज़ में ये 500 का था बट जो एम साइज़ था उसमें ये 200 का था, तो इसलिए मैंने जल्दी से परचेज कर लिया एम साइज. ऑल्दो एम साइज थोड़ा सा मुझे लूज है पर चलेगा गाइस, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज 200 रुपये में मिल रहा था. सो यहाँ पे ना आपको फ्रंट में तो बहुत ही अच्छा ऐसे ये लुक आएगा, काफ़ी अच्छा टॉप है. मीन्स बहुत ही क्लासी लग रहा था. इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसमें जॉर्जेट फैब्रिक में मिलेगा, इलास्टिक दी हुई है. यहाँ पे बैक साइड में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ये यहाँ पे कट मिल जाएगा. ये कट देखने में बहुत बड़ा लग रहा है पर इतना बड़ा ये एक्चुअली पहनने के बाद नहीं है, पीछे बस थोड़ा सा ही कट ऐसे विजिबल होगा. तो अगर आप चाहे तो पार्टी वगैरह में वेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो कैजुअली भी वेयर कर सकते हैं. ये मुझे काफ़ी डिसेंट लगा. बैक साइड में क्लोजर के लिए बटन्स भी दिए हुए हैं इसमें. इसकी स्लीव्स बहुत सुंदर है. मीन्स ऐसा नहीं है ना कि आपको कुछ ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा ओवर रिवीलिंग पहन रखा है, बट ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है. आप इसको स्कर्ट के साथ, डेनिम्स के साथ, किसी के साथ भी वेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया है वो एक शॉर्ट कुर्ती है गाइस. तो ये अब पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने पहनी हुई है ना कुर्ती, साइज मैंने ऑर्डर किया था इसमें एस, आई थिंक एस साइज, हाँ बट एस साइज मुझे टाइट है, स्लीव्स पे बटन नहीं लग रही थी. सो इसमें आप एक साइज लार्जर ऑर्डर कर सकते हैं, मीन्स अपना नॉर्मल साइज ऑर्डर कर सकते हैं. वैसे मैं जनरली एम पहनती हूँ बट मैंने सोचा कि इसमें एस साइज ऑर्डर करके देख लेती हूँ बिकॉज थोड़ा सा ना इसका लूज लूज सा लग रहा था. तो वैसे ये ठीक है बट मुझे स्लीव्स पे ना थोड़ा सा टाइट है, वो भी यहाँ पे ये जो बटन है ना ये वाली नहीं लग रही थी तो खोलना पड़ रहा था. और अगर थोड़ा सा लूज फिट लुक चाहते हैं तो इसमें एक साइज लार्जर भी ऑर्डर कर सकते हैं. काफ़ी अच्छी लगी है मुझे. इसका ना फैब्रिक है जो कॉटन है, बहुत स्टाइलिश लग रही थी गाइस वेयर करने के बाद. ऑल्सो इसको मैंने व्हाइट कलर की डेनिम्स के साथ वेयर किया तो और भी ज़्यादा इसका लुक अच्छा आ रहा था. आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पहन सकते हैं. आप चाहे तो इसके साथ धोती पैंट जो भी आपको पसंद आए वो आप इसके साथ में पहन सकते हैं, डेनिम ब्लैक ब्लू कुछ भी पहन सकते हैं. नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया वो अगेन एक कॉट सेट है एंड ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा. एंड कॉट सेट को ना जनरली सब लोग बोलते हैं ना कि उसमें नाइट सूट टाइप का फील आ रहा है, तो इसमें आपको ऐसा कुछ फील नहीं आएगा बिकॉज इसका जो कुर्ता है ना वो असिमेट्रिकल डिजाइन में कुछ इस टाइप का पैटर्न उस कुर्ते में दिया हुआ है. यहाँ से बस यही पैटर्न की वजह से मैंने इसको परचेज किया, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, हटके लग रहा था. एंड यहाँ पे जो इसमें ये बो टाई बनी हुई है और इसकी जो नेक डिजाइन है उसमें ये कॉलर दिया हुआ है, ये वाला कॉलर दिया हुआ है. वैसे इसका फैब्रिक जो है वो कॉटन मिक्स में फैब्रिक है, प्योर कॉटन फैब्रिक इसका नहीं है. इसका जो डिजाइन है हाफ में ऐसा दिया हुआ है, हाफ में ऐसा दिया हुआ है. सो ये जो कुर्ता है ना बहुत कंफर्टेबल था गाइस. इसके साथ में मिली हुई है ये वाली पैंट. सो ये जो पैंट है इलास्टिकेटेड वेस्ट लाइन है, इसका फैब्रिक भी थोड़ा सा मिक्स्ड में ही आपको मिल जाएगा, प्योर कॉटन इसका फैब्रिक नहीं है और यहाँ पे मिलेगा आपको इतना नैरो. तो ये अच्छा बहुत लग रहा था वेयर करने के बाद, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं. मेरा पहना हुआ साइज वो है एम. नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया इसको लेके तो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत सडन ना बहुत पसंद आ गया. एक कोरियन एक्ट्रेस ने ये वेयर किया हुआ था तो मुझे लगा इसको तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी. उसमें ऊपर ना ऐसा दिख रहा था कि शर्ट टाइप का है एंड जो बॉटम था ना वो आपको थोड़ा सा लूज लूज फिट में शॉर्ट्स
का बॉटम था, तो मुझे लग रहा था ये वैसे देखने में ना, अगर आप उस बॉटम को देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि स्कर्ट पहना हुआ है. तो मैंने बस ऑर्डर कर दिया, बिकॉज कोई भी रिव्यूज़ नहीं थे, कुछ नहीं था. बट गाइज जब ये मुझे रिसीव हुआ ना, तो मुझे लगा पता नहीं क्या ही भेज दिया, उतना मज़ा ही नहीं आया देखने के बाद यहाँ पे. सो ये उसके साथ में ना मुझे शर्ट मिली है, ये शर्ट मिली है. बट गाइज अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये पहनने के बाद जो उसका लुक आया ना गाइज, वो मुझे इतना पसंद आया. हाँ, एकदम जैसे कोरियन एक्ट्रेस ने पहना है एग्जैक्टली वैसा तो नहीं मिलेगा, बट बहुत हद तक गाइज वैसा ही ये आया है. मीन्स इसका जो स्कर्ट है थोड़ा सा उसमें मरूनिश दिख रहा था, इसमें थोड़ा सा रेडिश मिल रहा है, वैसे तो मरून ही है. सो ये उसमें थोड़ा सा रेडिश टाइप का स्कर्ट मिल जाएगा, इसमें स्कर्ट प्लीटेड स्कर्ट मिलेगा, बैक में इसमें इलास्टिक दी हुई है. ये स्कर्ट काफ़ी अच्छी लग रही थी और इसके साथ में मैचिंग में दिया हुआ है ये शर्ट. तो ये जो शर्ट है ना, इसमें यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, काफ़ी लूज लूज फिट में है. और इसके जब मैंने स्कर्ट के साथ पहना, हाँ मैं मानती हूँ मुझे देखने में नहीं अच्छा लग रहा था, क्वालिटी वाइज भी मुझे उतना ज़्यादा नहीं अच्छा लग रहा था, बट गाइस जब मैंने इसको पहना ना, ये इतना सुंदर खिल के आया कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था. मीन्स आप पार्टीज़ में भी इसको बहुत ही आराम से ना वेयर करके जा सकते हैं, बस अच्छे से एक्सेसराइज कर ले, मुझे तो काफ़ी अच्छा. और ये टॉप जो है ना, इसको आप नॉर्मल डेनिम वगैरह के साथ वेयर कर ले, इसमें मेरा साइज़ एस है, बट जब मैंने इसको इन करके पहना ना उस स्कर्ट के साथ गाइस, बहुत ही एकदम अमेजिंग लुक आ गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. मीन 699 rupees का है ये पूरा पेयर, तो मुझे लगता है कि उसके अकॉर्डिंग तो वर्थ बाइंग ऑप्शन है. लुक पे मत जाना बट गाइस, पहन के ज़रूर ट्राई करना, उसके बाद ही आपको इसका लुक जो है वो समझ आएगा. इसका जो पॉलिएस्टर फैब्रिक है इसका, एंड इसके साथ में ये है, ये स्पेंडिक्स फैब्रिक की मुझे रिसीव हुई है पार्टीज के. अभी जैसे वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना, तो आप इसको भी पहन के जा सकते हैं, मुझे बहुत प्यारा लगा, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई करें, हाईली रेकमेंड. मैंने परचेज किया गाइस वो है एक कार्गो. अभी उसको इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज वो मैंने रिटर्न कर दिया था, क्योंकि वो मुझे वेस्ट पे थोड़ा सा टाइट था एंड थाइस पे थोड़ा सा टाइट था. बट उसकी क्वालिटी एंड उसकी फिटिंग गाइस, अगर आपके नॉर्मल बॉडी शेप है ना, जैसे आपके थाइस ज्यादा हैवी नहीं है, तो आप डेफिनेटली उसको ट्राई कर सकते हैं. हैवी थाइस वाले एक साइज लार्जर उसमें ऑर्डर करें, जैसे मैंने उसका 30 size ऑर्डर कर दिया था, बट वो मुझे थोड़ा सा ना ऐसे टमी एरिया पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बल्की टाइप का लुक आ रहा है, तो उतना ज़्यादा मैं इतने ज़्यादा टाइट कपड़े भी नहीं पहनती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसको रिटर्न कर दिया. बट अदरवाइज आप उसको ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज क्वालिटी एंड फिटिंग वाइज वो काफ़ी अच्छा है. यहाँ पे उसका वीडियो अटैच कर रही हो तो आप देख सकते हैं. सो बहुत ही अच्छा लग रहा था उसके अकॉर्डिंग, और आई थिंक बहुत ही कम प्राइस में भी मैंने परचेज किया था. सो आप ट्राई करना चाहते तो कर सकते हैं, लिंक उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन कर रही हूं, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा. आई विल सी माय नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस.